हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिर्च मसाला किचन में। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, ये आज की रेसिपी है हमारी मीठी सेवैयाँ। बच्चों को बहुत ही यम्मी लगती है, बड़ों को भी पसंद है, और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसे ज़रूर बनाइए, और बनाने के लिए हमारी आज की वीडियो देखिए। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी, देख रहे हैं? तो आइए बनाते हैं और फिर खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी के लिए मैंने ये ली है सेवियाँ। ये लंबी वाली सेवियाँ जो होती है वो ये है, ठीक है। ये थोड़ी भुनी हुई होती है, पर इसको अभी हम भुनेंगे घी में। तो हमें ये सेवियाँ लेनी है। ये लगभग आप ये मान के चलिए कि कटोरी का अगर हम नाप ले तो वो कटोरी जो है आपकी आधे से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी जब हम इसको हम तोड़ेंगे। तो ये बाउल है, अगर हम इसको इसमें नापे उसको तोड़ के, तो ये आधे से ज़्यादा कटोरी जो इसमें भर जाएगी सेवियों से जब इसको हम तोड़ेंगे। अभी वो पूरी लंबी लंबी है। उसके लिए फिर मैंने लिया है आगे ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हैं ये काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता, ये चीज़ें मैंने ली है। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा घी में रोस्ट करते हैं इनको, और उसके बाद फिर हमारी जो सेवियाँ है उनको भी हम घी में भूनेंगे। पैन को हम गरम करेंगे। गरम होने के बाद इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाला है। अब इसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बस किशमिश को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हम डालेंगे। और इनको अब हम भूनेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब बचे हुए घी में हम अपने ये किशमिश डाल देंगे। इनको अलग से ही आपको भूनना है। किशमिश भुन चुकी है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। इसको अच्छे से फैला लें। अब ये जो हमारी सेविया थी लंबी लंबी, इसको हम थोड़ा क्रश कर लेंगे, तोड़ के डालेंगे। बड़ी आसानी से ये टूट जाती है। इनको हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बची हुई सभी सेविया को डाल लें। ये पहले से ही भुनी हुई होती है, पर थोड़ा घी में अगर हम इसको और कर लेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी जब बनके तैयार होगी। गैस को हल्का तेज कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम में आप इसको कर लीजिए। सेविया भुन चुकी है। अब इसमें मैं 1/2 किलो दूध, फुल क्रीम दूध है ये, पहले से उबला हुआ, वो मैं डालूंगी। और उसे मिक्स करिए।
और अब इसे अच्छे से उबालें, क्योंकि दूध पहले से उबला हुआ है तो फटाफट से हमारी ये खीर बनके तैयार होगी, मीठी सेवियाँ। इसको अच्छे से आप उबालें, आप देख सकते हैं सेवियों का साइज़ ही बहुत ही पतला है और भुनी हुई है पहले से, और कुछ हमने भी भून ली है घी में, तो बड़ी जल्दी से बनके ये तैयार हो जाती है। दूध भी आपका पहले से फुल क्रीम दूध मैंने यूज़ किया है, ये भी पहले से उबाला हुआ है, तो बड़ी जल्दी मिनटों में ये बनके तैयार हो जाएगी हमारी ये डिश। दूध को आप अच्छे से उबालें, सेवियाँ ये बड़ी जल्दी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ये सेवियाँ है ये पहले से ही जो है भुनी हुई है, और साइज़ में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली पतली है, इसको हम लॉन्ग कट सेवियाँ बोलते हैं। और दूध भी हमारा जो है पहले से ही उबला हुआ यूज़ करा है, फुल क्रीम दूध, तो फटाफट से ये बनके तैयार हो जाती है हमारी सेवियाँ। ये सेवियाँ हमने भून भी ली है घी में, तो बड़ी ही जल्दी गाढ़ी गाढ़ी ये सेवियाँ बनके तैयार हो जाएगी। अब बारी है इसमें चीनी डालने की, तो मैंने ये 1/4 कटोरी, वही सेम कटोरी है, इसमें 1/4 जो है चीनी से भरी है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे मिक्स करें। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी बढ़ा घटा सकते हैं या शुगर फ्री का यूज़ कर सकते हैं इसमें। इन्हें मिक्स करें, थोड़ी सी इलायची पाउडर, आप इसको मिक्स करें। आप देख रहे हैं दूध बिल्कुल थोड़ा ही रह गया इसमें, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अगर आप इसमें चेक करो तो आप देखेंगे बिल्कुल आराम से ये जो है सेविया आपकी टूट रही है, तो अब ये बिल्कुल रेडी है बनके। अब इसमें बारी है हमारे ड्राई फ्रूट्स डालने की, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे और थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। और इसे मिक्स करें, अब इसमें मैं लास्ट में डाल रही हूँ केवड़ा वाटर, इससे जो है खुशबू और टेस्ट दोनों चीज़ें बढ़ जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इसे मिक्स करके बस अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मेरी बेटी तो बिल्कुल सामने खड़ी होगी आके, मम्मा फटाफट डालो और मैं खाऊं। आपके बच्चों को भी पसंद होगी ये, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को पसंद है, किस किस के बच्चों को पसंद है। अब इसे हम निकाल लेते हैं बाउल्स में। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है। इसको मैंने फिर जो बचे हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जो घी में भुने हुए मैंने थोड़े से बचा लिए थे, वो ऊपर से सजाने के लिए थोड़ा से और डाल दिए गए हैं, और थोड़ी सी गुलाब की पत्ती, तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं देखने में। तो सब बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, और आपके स्पेशली बच्चों को कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए।